आज हम आपको एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपको बताया था नॉर्मेलिटी के विषय में। तो हमने उसमें कहा था कि बेटा एक लेक्चर के माध्यम से इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं इसको मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज मैं वही लेक्चर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ और इस लेक्चर को आप देखिएगा, आपको एकदम आसानी से इक्विवेलेंट मास समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे किसी आयन का कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, एसिड का कैसे निकालते हैं, बेस का कैसे निकालते हैं और साल्ट का कैसे निकालते हैं, इतने ही तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए और आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए हम आज आपको क्या बता रहे हैं, इक्विवेलेंट मास निकालना। आज का टॉपिक मेरा बेटा है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ये मेरा टॉपिक है, आप इसको देखिएगा, ये बीच बीच में आपको मिलेगा। हम किसका किसका पहले बता दें कि बताएंगे निकालना। जैसे कोई एलिमेंट दे दिया जाए, एलिमेंट, दूसरा हम सीखेंगे एलिमेंट के बाद आयंस दे दिया जाए, आयंस, तीसरा एसिड का कैसे निकालते हैं और चौथा बेस का कैसे निकालते हैं और पांचवा साल्ट का कैसे निकालते हैं। तो इनको ये इतने टॉपिक का डिस्कशन हम आज इसमें करेंगे। तो और एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे, एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको हम क्लियर कर देंगे। अब देखिए बेटा, जैसे कोई पूछ दिया कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास को हम साल्ट में लिखेंगे ईएम। इसका मतलब समझिएगा कि शायद इक्विवेलेंट मास की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा लिखने में कितना हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे कोई कह दिया ईएम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास, याद रखिएगा कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो एलिमेंट का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, याद रखिएगा एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी हो जाता है। ये पहला जो है आपको एलिमेंट का निकालने में, इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लिया जाए। जैसे क्वेश्चन क्या है, कोई पूछ दे व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, जैसे कोई पूछ दिया सोडियम का इक्विवेलेंट मास बताइए, ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले देखिए इसका सलूशन, देखिए बेटा सलूशन क्या होगा, सलूशन जैसे इसका वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी इसकी कितनी होती है, वन होती है सोडियम की वैलेंसी आप Na इज इक्वल टू वन। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। तो अब इसका ईएम कैसे निकलेंगे, ईएम ऑफ Na इज इक्वल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है 23 अपॉन वैलेंसी क्या होगी 1, इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 23 हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इस पे मैं क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, आप करिएगा। जैसे क्वेश्चंस आ गया, दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसको करिएगा, फाइंड आउट द ईएम ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, फॉलोइंग एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे सल्फर दे दिया जाए, फास्फोरस दे दिया जाए, नाइट्रोजन दे दिया जाए, पोटेशियम दे दिया जाए, कैल्शियम दे दिया जाए,
बेरियम दे दिया जाए, है ना, इन सभी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है। आप इसको निकालिएगा, फार्मूला यही लगेगा, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। क्लियर? तो नोट कर लीजिएगा। आप दूसरा आयंस का बताते हैं। इसको नोट करते चलिए, एक एक क्वेश्चन से बता दे रहे हैं और आपको इसका ये दूसरा टॉपिक बेटा हम पढ़ रहे हैं आयंस। ये दूसरा टॉपिक किसका है? ईएम ऑफ आयंस। देखिए अब ईएम ऑफ आयंस है, ईएम का मतलब इक्विवेलेंट मास समझ लीजिएगा। जैसे ईएम ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं, ईएम ऑफ आयंस इज इक्वल टू वही मास ऑफ आयंस अपॉन वैलेंसी, इसको भी वैसे निकालते हैं, वैलेंसी ऑफ आयंस, वैलेंसी ऑफ आयंस। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बेटा इस पे आ गया, व्हाट इज द ईएम ऑफ CO3 आयन, ये क्वेश्चन आ गया। तो अब आप जानते हैं कि ईएम ऑफ CO3 डाई नेगेटिव आयन इज इक्वल टू, इसका मास कितना होगा बेटा, कार्बन का कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 3 ऑक्सीजन है इनटू 16। वैलेंसी देखिए, जितने चार्ज होते हैं उसकी वैलेंसी होती है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मास होता है 60/2 इज इक्वल टू कितना होगा 30। ये आपका आंसर आ जाएगा कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास। अब इसी तरह से क्वेश्चंस मैं यहां दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, करिएगा। क्वेश्चन दूसरा होमवर्क है आपके लिए, थोड़ा सा इंक इसमें डाल लें, इंक थोड़ा सा हल्का हो गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयंस। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे फाइंड आउट द, देखिए डार्क चलने लगा, फाइंड आउट द ईएम ऑफ फॉलोइंग आयंस। जैसे आपका दे दिया जाए SO4 डाई नेगेटिव, PO4 ट्राई नेगेटिव, SO3 डाई नेगेटिव, NH4 प्लस, H3O प्लस, BO3 डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव, सॉरी डाई नहीं ट्राई, तीन होता नेगेटिव, CA डबल प्लस। ऐसे आयंस दे दिए हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको आपको घर से करना है, कर डालिएगा इसको। तो ये है आयंस का। अब तीसरा टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं एसिड का। एक क्वेश्चन बता देना, इस पर 2-3 क्वेश्चन घर से कर देने के लिए दे दे रहे हैं तो आप करिएगा। चलिए तीसरा टॉपिक मेरा है ईएम ऑफ एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट मास। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, फार्मूला याद रखिएगा, ईएम ऑफ एसिड इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर
molecular mass of acid upon basicity होता है. क्या होता है basicity? basicity of acid. याद रखिएगा molecular mass upon basicity of acid. acid की basicity देखिए, ये acid की basicity कैसी होती है? ये बराबर होती है किसकी? याद रखिएगा नंबर ऑफ ऐसे लिख दे रही फिर से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम के बराबर होती है. अब जैसे मैं इसे लिख रहा हूं, जैसे HCl है तो इसकी बेसिसिटी बेसिसिटी कितनी होगी? 1. H2SO4 इसकी 2. HNO3 इसकी 1. CH3COOH इसकी 1. H3PO4 इसकी 3. ऐसे होता है H2C2O4 इसकी कितनी होती है? 2 होती है बेसिसिटी. ऐसे कुछ एसिड्स का याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लगाने में सुविधा रहेगी. तो याद रखिएगा EM ऑफ एसिड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड. नोट कर लीजिएगा. अब इसमें क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं आपको, और इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आप लगा डालिएगा. जैसे नोट कर ली, अब इसमें जैसे ये क्या है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं. क्वेश्चन बेटा आ गया, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4. ये क्वेश्चन आ गया तो इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा क्या होता है. EM ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी की कितनी होती है? 2. इसका मॉलिक्यूलर H2SO4 का निकालिए, 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 × ऑक्सीजन का 16 अपॉन 2 जो डालिए 2 32 2 34 प्लस 64 4 8 हो जाएगा. नाइन आएगा तो उसे डिवाइड करेंगे 49 आएगा. इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 2 8 1 2 49 आ जाएगा. H2SO4 का क्लियर? तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए और इस पर क्वेश्चन कर दे रहे हैं. व्हाट इज, ये नोट कर लीजिएगा इसको. अब इस पर आधारित क्वेश्चन दे दे रहे हैं. Find out the EM of following acids. अब जैसे आ गया H2C2O4, CH3COOH, है ना, HClO4, है ना, आपका HNO3, H3PO
होगा। इन सब का निकालना आप लगाइएगा, घर से लग जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन आपका भाई एसिड पे आधारित है। चलिए अब देखिए, ईएमएफ एसिड के स्थान पर अगर बेस दे दे, क्या दे दे? बेस। ये थर्ड और नहीं फोर्थ नंबर होगा। ईएमएफ बेस, बेस का इक्विवेलेंट मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपान, ये बेसिसिटी नहीं रहेगा, बेसिसिटी नहीं रहेगा इसमें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, ईएमएफ बेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपान एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी ऑफ बेस। याद रखिएगा, ईएमएफ बेस मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपान एसिडिटी ऑफ बेस, और एसिडिटी ऑफ बेस किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओएच, रिप्लेसेबल ओएच ग्रुप, उसमें कितने ओएच ग्रुप है जो रिप्लेस होने वाले होते हैं। अब जैसे इस पे क्वेश्चंस कर देते हैं, याद रखिएगा, जैसे हम बेस लिख दे रहे हैं और एसिडिटी लिख दे रहे हैं, कुछ लिख दे रहे हैं एसिडिटी। याद रखिए एसिडिटी क्या होगी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओएच ग्रुप, और उसमें एसिड के केस में एच प्लस, बेस से मान लो एन एच एस टी वन, के ओ एच वन, सी ओ एच का होल ट्वाइस दो, ए एल ओ एच का होल थ्राइस थ्री, एन एच फोर ओ एच, ये जितने ओ एच है रिप्लेसेबल वही उसकी एसिडिटी होती है। नोट कर लीजिएगा इसको, यहां पर लिख दे रहे हैं AlOH का होल थ्राइस होता है ना, AlOH का थ्री, और ये आपका NH4OH लिखे थे ना, NH4OH इसका क्या था? वन था। ये याद रखिएगा, OH कितने हैं? एक, यहाँ पे वन, यहाँ पे दो, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे, ऐसे लिख लीजिएगा रिप्लेसेबल OH देख करके। अब इस पे क्वेश्चंस लगा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। जैसे कोई पूछ दिया कि इक्विवेलेंट मास ईएमएफ, मान लो एन एच ही पूछते हैं बेटा, एन एच ये ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा ईएमएफ एन एच इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 40 होगा, और कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? वन, इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 40। इसी तरह से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर लीजिएगा, ईएम किसका किसका ईएम कैलकुलेट करना है, सीओएच का होल ट्वाइस का निकालिएगा, ALOH का होल थ्राइस का निकालिएगा, FeOH का होल थ्राइस का निकालिएगा, ZnOH का होल ट्वाइस का निकालिएगा, KOH का निकालिएगा, NH4OH का निकालिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, KOH, NH4OH, ZnOH का, या फिर इन सब का निकालिएगा। आप एक मैंने बता दिया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, साल्ट का कैसे निकालते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, ईएमएफ साल्ट, यही क्वेश्चंस बेटा आएगा, जब भी आएगा इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। साल्ट वाला भी देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ये हल्का हो गया, साल्ट का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये फिफ्थ वाला टॉपिक है, ईएमएफ साल्ट, ईएमएफ साल्ट बेटा देख लीजिएगा। ईएमएफ साल्ट क्या होता है? साल्ट का देखिए मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, इसका क्या लिखते हैं? फार्मूला मास लिखते हैं, फार्मूला मास, फार्मूला मास अपान टोटल पॉजिटिव आर निगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव आर निगेटिव चार्ज।
मैंने उसके ऊपर जो टोटल पॉजिटिव हो या निगेटिव हो किसी एक से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव से या निगेटिव से। जैसे देखो ईएम ऑफ एन ए टू सीओ थ्री निकालना है, इसको निकालना है, क्वेश्चन है ना। तो अब इसका फार्मूला मास निकालेंगे, ईएम ऑफ एन ए टू सीओ थ्री, याद रख लो कि एन ए टू सीओ थ्री जब टूटता है तो किसमें 2Na प्लस और CO3 डाई नेगेटिव, दो मीटर दो ठो Na दो ठो प्लस रहेगा दो ठो नेगेटिव, तो इसका फार्मूला मास, फार्मूला मास क्या होगा 2 इंटू सोडियम का 23 प्लस कार्बन का 12, 3 इंटू ऑक्सीजन का 16 अपॉन, इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, दो प्लस है या दो निगेटिव, तो दो से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 43 12 प्लस 36 अपान टू, तो जो भी 6 2 8 कहीं क्या बोलूँ क्या 43 46 16 3 48 हो गया ना, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे 16 3 48 हो गया 16 3 48 6 2 8 8 16 6 1 5 4 9 10 106 दो से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 53 इक्विवेलेंट मास आ गया। इसमें देख लिया करिएगा ये फार्मूला मास क्या है, 2 इंटू सोडियम का 23 46 हो गया इसका, 12 कार्बन का हो गया, 16 3 48 हो गया, 8 6 2 8 8 16 एक हासिल लग गया, 4 1 5 4 9 10 106 53 इक्विवेलेंट मास आ गया किसका, सोडियम कार्बोनेट का। क्लियर, तो इस तरह से आपका साल्ट का निकाल लीजिएगा, साल्ट में भी कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं आपको करने के लिए। देखिए साल्ट में इन साल्ट का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना, जिसको मैंने घेरा करके लिखा है, पहला CaCO3 का निकालना है, ZnCO3 का निकालना है, MgCO3 का निकालना है, K2CO3 का निकालना है, इन सब का निकालना है, Na2SO4 का निकालना है, Na2SO4 इनका निकालना है, इन सभी साल्ट का आपको, इन सभी साल्ट का ईएम निकालना है इक्विवेलेंट मास। तो इस प्रकार ये मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट को बेटा लोग बता दिया, ये देख लीजिएगा ये इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट था। ये बीच बीच में आपको नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो वहां पे अक्सर ये मिलेगा, और भी कहीं कई जगह आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले एलिमेंट, फिर आयंस, फिर एसिड, फिर बेस, फिर साल्ट, इनके विषय में मैंने बताया है। तो बच्चों आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको इस तरह से छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से मैं आपको सब केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूँगा और आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो बेटा थैंक्स।